अच्छा हुआ गाना मैं भी गा लूँ, रुक से जरा नकाबट रुक से वो गा लो। अच्छा आसानी उधर बाल ले लो आप लो आप लो। अच्छा अच्छा हाँ यूँ बोलो कुर्बानी देगा कौन लेकिन अब स्टार्ट रुक से जरा नकाब हटाओ मेरे हुजूर। I like it। वाओ देखा जाए तो क्या है दो कांटे एक फूल क्या बोलना चाहते मैडम आप? ये जो दोनों कांटे हैं ये इस फूल को बहुत मजा दे रहे हैं। क्यों भाई कांटे? सच में आज लग ही नहीं रहो कि दो मोटे मोटे फूल एक कली के साथ बैठे हैं। वो भी एक कमसिन कली। आप? और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम कांटे यूं बने कि लड़कियों ने बहुत चांटे दिए, आखिरकार मिली गई हमें सेक्सी हसीना। वाओ। और इसी सेक्सी हसीना के साथ ये दोनों लड़के वैलेंटाइंस डे मनाएंगे और आप सबको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे। आई लाइक बात करें हम अभी ये हो गया जैसा सीन चल रहा है आपका क्या चल रहा है हमारे दोस्तों को बताओगे आप क्या चल विस्तार से क्या चल रहा है आप लोगों को? ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। हाँ जितना बता सको उतना ही बताओ। जरूर बताएंगे कि जो टीका टिल्लू है बाकी जिंदगी के अंदर है ना ये कोमल सेक्सी हसीना आ गई है क्योंकि हम तो बेचारे कुछ मतलब कुछ थी नहीं हमारे पास, कुछ था ही नहीं लड़कियां वड़कियां कोई सुख था ही नहीं हमारे पास, लेकिन सक्सेना भैया ने ना हमारे ऊपर एक बहुत बड़ो के कहते हैं आशीर्वाद कर दो कर्म कर दो। आप या यूं कहूं कि टीका और टिल्लू की जिंदगी में जो सूखा था ना उसको खत्म कर दिया इनके इन दोनों के जिंदगी के सूखे को मैंने खत्म कर दिया और मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि इस सूखे को खत्म करके इतना सुख दूंगी कि आप लोग हमेशा इस वैलेंटाइंस डे को याद रखेंगे। आई लाइक इट। अच्छा सर मैं एक बात पूछूं तो आप रियल लाइफ में आप तीनों कैसे वैलेंटाइन मनाए हैं इस तरह के जाना था रियल लाइफ में कभी इस तरह मनाए हो आपने? वैलेंटाइंस डे एक ऐसा डे होता है जिसमें कि हम सब अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, बहुत भाव देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो हम सब की ज़िंदगी में मोहब्बत होती है, भाई की ज़िंदगी में भी है, सेम टू सेम मेरी ज़िंदगी में भी है, सलीम मियाँ की ज़िंदगी में भी है, और हम सब वैलेंटाइंस डे में इसी तरह से अपनी वैलेंटाइन को खुश करते हैं और वैलेंटाइंस डे को मनाते हैं। आप भी मनाइए और भाभी जी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। एक लास्ट बार पूछना है प्यार वैलेंटाइन डे, प्यार तो आप किसी से कर सकते हो, माँ से, बहन से, किसी से, दादी से, हर किसी से कर सकते हैं आप, ये नहीं कि आप गर्लफ्रेंड से ही करना है प्यार। तो आप क्या बोलना चाहते इसमें कि आपको शो भी इस टाइप का है कि हम पूरे परिवार को दिखाते हैं, हम एक दूसरे के मतलब प्यार दिखाते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहता है शो में। देखो सीधी सी बात यह है कि असली बात यह है कि अभी जो उम्र नहीं रही है हमारी कि वो लौंडी के साथ में हम जो वैलेंटाइन डे मनाए, वैलेंटाइन डे हमारे साथ बिल्कुल एक साफ स्पष्ट कह दें अब आपको कि हम बिल्कुल पवित्रता से हम अपनी पत्नी के साथ मनाना चाहेंगे और यही वैलेंटाइन डे का असली सुख है कि अपने घर परिवार के साथ में वैलेंटाइन मनाएं। और टिल्लो तो सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि भैया रियल लाइफ में जरूर ऐसी वैलेंटाइन हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में तो अपनी वाइफ ही वही है वरना गुर्दे छील रहेगी। वाओ आप सर आई लाइक नाइस सर नाइस थैंक यू। लास्टली आपको पूरा नाम आटीवी से बॉलीवुड क्या लास्टली? हाय माय नेम इज सानंद वर्मा और आप देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। माय नेम इज वैभव माथुर और आप देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। और मैं हूं सलीम जैदी, आप देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। थैंक यू सर, इस तरह आप लोगों को प्यार मिलता रहे भाभी जी के रहते। थैंक यू सर, राज करीजिए 9 साल और।